सततम च निपत्यम च नेपलते कदाचन राजा स्वदेश पूजते विद्वान सबत पूजते। जो राजा की पूजा उसके राज में ही होगी, लेकिन विद्वान की पूजा देश विदेश पूरे संसार में होगी। इसलिए ए बाबू ए बच्ची, तुम विद्वान बनने का कोशिश करो, डॉक्टर इंजीनियर बनने का कोशिश करो, वैज्ञानिक बनने का कोशिश करो, ताकि जब तक ये सूरज चांद रहेगा विद्वान का नाम रहता है और उसकी पूजा भरकर होता है। याद किए गए स्वर्गीय पंडित रमेश झा, मनाई गई पुण्यतिथि। रमेश झा विचार मंच के द्वारा सहरसा के मनीतारा स्कूल बनगांव में स्वर्गीय पंडित रमेश झा का पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाया गया। बतौर मुख्य अतिथि पुण्यतिथि कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सादा ने शिरकत किया। अतिथियों ने सर्वप्रथम स्वर्गीय पंडित रमेश झा के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। मुख्य अतिथि सहित मंच पर बैठे सभी सम्मानित सदस्यों को पाक चादर देकर उनका इस्तकबाल किया गया। मंत्री रत्नेश सादा ने कहा कि पंडित रमेश झा एक विचार है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, जरूरत है उनके विचार को जिंदा रखकर उस पर अमल किया जाए। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष धीरेंद्र यादव ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्वर्गीय पंडित रमेश झा जी की आदमकद प्रतिमा बनाई जाएगी, जिससे उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हो पाएगी। रमेश झा विचार मंच के संयोजक राहुल झा ने बताया कि वही पिछले दिनों रविवार को रमेश झा विचार मंच के द्वारा पेंटिंग और निबंधन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 30 बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर प्रतिभागियों को मेडल शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में रमन झा, शैलेश झा, सोहन झा, सुदीप सुमन, मनीष कुमार, मुकुंद माधव मिश्रा, रूपेश अमित, रमेश झा विचार मंच के संयोजक राहुल झा, पंकज सिंह, रजनी जनगण, गणेश जनगण, शशिधर ठाकुर और प्रिंस सहित समाज के कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे। वहीं मंच का संचालन सुमन ने बखूबी अंदाज में किया। पुण्यतिथि है रमेश झा, आज के दौर में उसका नाम रमेश झा नहीं, उसका नाम है रमेश विचार। रमेश झा का मतलब हुआ एक विचार, उनके विचार पर जो आज के समाज, इस नवयुग के समाज चल रहे हैं, युवा चल रहे हैं, नौजवान चल रहे हैं, बेरोजगार चल रहे हैं, उसी के विचार के लेकर जो चल रहे हैं हम लोग, वह रमेश झा क्या है, विचार है, उसके विचार पर चल रहे हैं। रमेश झा तो ऐसा काम किए कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर को सम दृष्टि से देखने का काम किया। उसके नजर में कोई न ऊंचा था न कोई नीचा था, उसके नजर में सब बराबर था। हम जहां तक जानते हैं, उन्होंने देखा कि बिहार में ही नहीं, सहरसा में शिक्षा का घोर अभाव है, तो स्कूल खोलने का काम किया, विद्यालय कॉलेज खोलने का काम किया और ढेर सारे काम किया है। उसकी काम की अगर गणना की जाए वह बहुत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके विचार को लेकर चलना चाहिए हम लोग को। जितना उसका स्वच्छ भी था, जितना उसका स्वच्छ विचार था, उस विचार को लेकर हम लोग को चलना चाहिए। उसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, उसी को मिटाने के लिए। जब धरती पर पाप की वृद्धि होता है तब किसी न किसी रूप में भगवान को अवतरित होना होता है, और सबको सम दृष्टि से करने के लिए ऊंच नीच की खाई को मिटाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने रमेश झा के रूप में एक विचार आया और उन्हें ऊंच नीच की खाई को पाटने का काम किया। उसके निकट कोई भेदभाव नहीं था। आज संतों में शिरोमणि लक्ष्मीनाथ गोसाई को देखिए, उसके निकट कोई चीज नहीं है, सब सम है, बराबर है। उसके निकट कोई भी जात धर्म के लोग जाते हैं, वो सबका पूजनीय है। उसी तरह रमेश झा जी सबका पूजनीय है, केवल आपका या इस गांव का नहीं, पूरे बिहार पूरे देश का पूजनीय है। ये है रमेश झा का विचार। इसलिए हम लोग इसका कर्म करते हुए चले और आने वाले भविष्य को, पीढ़ी को भी इसका मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग अपने आप में बच्चे को भी पढ़ना देते रहे।